सतगांवा प्रखंड अंतर्गत बुधवार को मरशोई पंचायत के विवाह भवन नजदीक मुखिया संघ के अध्यक्ष उत्तम कुमार के कचहरी पर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा 5 सूत्री मांग पत्र सौंपने के संबंध में एक बैठक किया गया। वहीं बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों, लोक प्रमुख, जिला परिषद मुखिया, उपमुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्यों के लोग शामिल हुए। वहीं बैठक की अध्यक्षता मुखिया संघ के अध्यक्ष उत्तम कुमार ने किया। बैठक का संचालन जिला परिषद प्रतिनिधि धनंजय यादव ने किया। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने बारी बारी से अपने वक्तव्य को रखा, जिसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मांग को रखा गया, जिसमें पहली मांग राज्य वित्त आयोग का राशि शीघ्र पंचायत को दी जाए ताकि पंचायत गांव की सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरी मांग कार्य अवधि के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधियों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर उचित 30 लाख का मुआवजा की व्यवस्था की जाए ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। तीसरी मांग मुखिया गणों का मानदेय केरल राज्य के तर्ज पर 30,000 निर्धारित किया जाए। चौथी मांग वर्तमान समय में सरकार के द्वारा चल रहे मैया सम्मान योजना, अपुआ आवास एवं अन्य सरकारी योजना के लिए पंचायत प्रतिनिधियों एवं उनके परिवार जनों को शामिल किया जाए ताकि 100% योजना का लाभ जनता को मिल सके। जैसे कोई मुखिया या वार्ड सदस्य अत्यंत गरीब एवं लाल कार्डधारी तथा रोजी रोजगार के लिए कूली लेबर का कार्य कर रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों एवं उसके परिवार को योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इस बाबत कार्यालय से आवेदन ही आदेश हेतु एक पत्र निर्गत किया जाए। पांचवा एवं आखिरी मांग झारखंड के सभी पंचायत की मांग है कि बिना जांच किए वित्तीय शक्ति जब्त न किया जाए जिसमें मुखिया पद का अपमान हो। झारखंड के जिस मुखियाओं का वित्तीय पावर जब्त किया गया है उन्हें पुनः वापस किया जाए। विदित हो कि मांडर प्रखंड के सर्वा पंचायत के मुखिया प्रभा किस्पोटा को वित्तीय अनियमितता का झूठा आरोप लगाकर पदच्युत कर दिया गया, जबकि पंचायत विभाग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2024 को एक पत्र मुखिया को दिया जाता है जिसमें मुखिया को अपना जवाब पक्ष देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है, परंतु बिना जवाब दिए ही आनंद फानन में उपायुक्त कार्यालय रांची से 9 जुलाई 2024 को एक पत्र बिना पत्रांक दिनांक के अनुच्छेद की धारा 30, 64 एवं 142 धाराओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर मुखिया प्रभा किस्पोटा को पदच्युत कर दिया गया, जो कि असंवैधानिक एवं षड्यंत्र की बुआ रही है। मुखिया प्रभा किस्पोटा को पदच्युत कर पुनः वापस किया जाए जैसे मांगों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा रखा गया। बता दें कि सभी मुखिया अपनी मांगों को लेकर 27/8/2024 से सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। आगामी 9 सितंबर 2024 को पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि राम अवतार चौधरी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि धनंजय यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष उत्तम कुमार, मुखिया अमर कुमार, सत्यानंद कुमार, मुखिया प्रतिनिधि मथुरा प्रसाद यादव, सुनील सिंह, सुभाष कुमार, रामविलास सिंह, विवेक पांडे, बबलू सिंह, उप मुखिया सौरभ कुमार, अश्विनी कुमार एवं वार्ड सदस्य के लोग बैठक में शामिल हुए। सभी लोग जुट हुए। सबसे पहले आप लोग को हम जानकारी देना चाहते हैं कि 27/8/24 से मुखिया संघ के द्वारा राजभवन रांची में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो ना कि मुखिया संघ है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का संघ है और 27/8/24 से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कि जिलावार 27 तारीख से शेड्यूल यही बना था कि हरेक दो दो जिला रांची में सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी परसों मतलब कोडरमा और हम लोग का था कुटी पूर्वी सिंहों का, तो हम लोग वहाँ उपस्थित हुए जिसमें सतनामा के 10 मुखिया भी हम लोग वहाँ प्रेजेंट हुए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोग से ज़्यादा तादाद में संख्या में पूर्वी सिंहों के लोग आए हुए, ठीक है। उसके बाद जिस दिन कल जो परसों था आपको गिरिडीह का कुटी का, कल था कहाँ का था भैया, कल कहीं का था, आज भी चलिए रहा है, तो 12 तारीख तक कंटिन्यू वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जिला का बार है तो वो अच्छा है कि कम से कम एक दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। जिसका मुख्य मांग है सो हम पहला मांग पढ़ देते हैं, राज्य वित्त आयोग का राशि शीघ्र पंचायत को दी जाए ताकि पंचायत गाँव की सर्वांगीण विकास हो सके, पहला मांग। दूसरा है कार्य अवधि के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद की
आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर उचित 30 लाख की मुआवजा की व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। तीसरा है माननीय मुखिया गणों को मानदेय केरल राज्य के तरफ पर 30,000 रुपये निर्धारित किया जाए। चौथा, वर्तमान में सरकार द्वारा चल रहे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिवार जनों को मुखिया, पंचायत समिति, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद को शामिल किया गया। पांचवा है, झारखंड के सभी पंचायत की मांग है कि बिना जांच किए हुए वित्तीय शक्ति जब्त ना किया जाए जिसमें मुखिया का अपमान हो। झारखंड के जिस मुखियाओं का वित्तीय पावर जब्त किया गया उन्हें पुनः वापस किया जाए। ये पांच मुख्य मांग है। तो इसमें